जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज आप लोग डिले क्लास करने के चक्कर में सारे अरे आप आना तो शुरू हुए आप लोग। सर मैंने ग्रुप में मैसेज तो दो तीन बार किया, अच्छा पता नहीं किया अभी ज्वाइन आपने नहीं कर मैसेज, रहे। तब ये आना शुरू हुए। वैसे ये एक साल में सोए हुए थे सारे सत्तू पी के, मौसम तो नहीं वैसे सत्तू का। जी डियर स्टूडेंट्स, हम लोग कल डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन के हवाले से डिस्कस कर रहे थे, और तकरीबन इसको मैंने 80% वाइंड अप कर दिया था। एक आधी मैंने आपको कहा था ये लास्ट में वो स्लेवरी और वेमेन के राइट्स के हवाले से थोड़ा सा उसको मैं डिस्कस करूंगा 5-10 मिनट। उसके बाद मैंने आपको काम दिया था, वो भी आप लोगों ने करना है मैग्ना कार्टा के हवाले से, और मैं डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स के हवाले से कहा था मैं कुछ आपसे थोड़ा सा पूछूंगा, और आप मुझे जो है वो लिख के मैसेज में इंडिविजुअली हर स्टूडेंट लिख के मुझे मैसेज में जो है वो सेंड करेगा जो क्वेश्चन मैं पूछूंगा उससे। तो पहले हम लोग थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं जो मैं कह रहा था, इसको मैं वाइंड अप करना चाह रहा था, और जो मैं आपको कटवा रहा था वो जो पेजेस थे 70 उसमें से जो आर्टिकल था उसके जो काफ़ी पेजेस मैंने शुरू से आपको पता कटवाए, और बीच में से दरमियान से भी कुछ हमने काटे थे, और अब और आगे कहाँ कहाँ से कट करना है, कहाँ कहाँ से पढ़ना है, वो भी मैं आप लोगों को बता के इसको वाइंड अप करूंगा। उसके बाद जो रिमेनिंग टाइम होगा उसमें थोड़ा सा मैं आपसे कुछ डिस्कस करूंगा इस हवाले से, आप मुझे जो है वो बताएंगे, और ये भागने की जरूरत नहीं है, अटैच रहे मेरे साथ, ये बीच में से दो स्किप हो गए। अच्छा ये निशान साथ साथ लगाते जाए, साथ साथ नोट डाउन करते जाए कौन कौन से पेजेस जो है मैं वो उसको कट करवा रहा हूँ, कौन कौन से जो है वो ऐड किए। पहले मैंने आपको बता दिया जो हम लोगों ने कट किए थे, एक दफ़ा ये वाइंड अप हो जाए मैं दोबारा फिर आपको जो है वो रिकॉल कर दूंगा ताकि आपके लिए जो है वो आसानी हो जाए। तो थोड़ा सा हल्का सा मैं आपको ये विमेन राइट्स के हवाले से और ये स्लेवरी के हवाले से क्या बात करें, बट बिल्कुल माइनर सा इसको मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ क्योंकि डिटेल हम लोग कल सारा डिस्कस कर चुके थे इसके बारे में। इसके ऊपर मैं बता रहा था कि थोड़ा सा इसके ऊपर एक क्रिटिसिज्म कह लें कि तनकीद कह लें, या इस कह लें कि इस पहलू को जो है वो इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया इस डिक्लेरेशन के अंदर, स्पेशली विमेन और स्लेवरी के हवाले से, उसको थोड़ा सा रीड आउट करता हूँ। उसके बाद फिर हम लोग जो है वो मैं बताता हूँ वो क्या कट करना है और क्या उसको किसको कंटिन्यू करना है आपने। विमेन राइट्स पेज नंबर है जी 34, 34 वो जो आर्टिकल मेरे पीडीएफ की जो फाइल थी उसका पेज नंबर 34 है, ठीक है जी। द डिक्लेरेशन रिकग्नाइज मैनी राइट्स एज बिलोंगिंग टू सिटीजन हु कुड ओनली बी मेल, दिस वॉज डिस्पाइट द फैक्ट दैट आफ्टर द मार्च ऑन वर्सायल्स ऑन 5 अक्टूबर 1789 वुमेन प्रेजेंटेड द वुमेन्स पिटीशन टू द नेशनल असेंबली इन विच दे प्रपोज डेक्री गिविंग द वुमेन इक्वल राइट्स। इन 1790 निकोलस, अच्छा जो नाम काफ़ी ज़्यादा लिखे हुए हैं आपको ये सारे याद करने की ज़रूरत नहीं, बस एक आधा याद कर लें और बाकी जो ये बात है एक्चुअल उसके ऊपर आए। अनसक्सेसफुल कॉल द नेशनल असेंबली टू एक्सटेंड सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स टू द वीमेन, डोसर डिक्लेयर डैट ही हु वोट्स अगेंस्ट द राइट्स ऑफ अनदर व्हाटएवर द रिलीजन कलर और सेक्स ऑफ दैट अदर हैज हेंस फोर्थ ऑब्जर्व हिज ओन, द फ्रेंच रेवोल्यूशन डिड नॉट लीड टू रिकग्निशन ऑफ वुमेन राइट्स एंड दिस प्रॉम्प्टेड ओलंपिया डी पब्लिश द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एंड ऑफ द फीमेल सिटीजन इन सेप्टेम्बर 1791। द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन ऑफ द फीमेल सिटीजन इज मॉडल्ड ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन एंड इज आयरोनिक इन फॉर्मुलेशन एक्सपोज द फेलियर ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन विच हैड बीन डिवोटेड टू इक्वालिटी, स्टेट्स दैट वुमेन एंड ऑफ द फीमेल सिटीजन फॉलो द 17 आर्टिकल ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन ऑफ द सिटीजन पॉइंट आउट एंड हैज बीन डिस्क्राइब द कैमली नेश एज ऑलमोस्ट पैरोडी ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स।
The first article of the Declaration of the Rights of Man and a Citizen proclaims that men are born and remain equal, free and equal in rights. Social distinctions may be based only on common utility. The first article of the Declaration of the Rights of Women and the Female Citizen replied, "Women is born free and remain equal to men in rights. Social distinctions may only be based on the common utility." Linguists also draw attention to the fact that under French law, women are fully punishable yet denied equal rights, declaring women have the right to mount the scaffold. They must also have the right to mount the speaker. Rostrum. अच्छा जी, अच्छा अब ये बड़ा इसमें जरा कॉम्प्लिकेटेड सी आपको लैंग्वेज लग रही होगी, बड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ है, कोई कॉम्प्लिकेशन की इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जस्ट आप इसको देखिए, विमेन राइट्स, विमेन राइट्स का उस हवाले से आपने जस्ट इसमें लिखना है, एक आधा बस नाम लिख दें, बल्कि नाम भी आप बेशक ना लिखें, जस्ट आप इसमें इतना लिखें। देखिए वो बात क्या कह रहा है कि जो डिक्लेरेशन है इसके अंदर जो इक्वल राइट्स की बात होनी चाहिए थी, स्पेशली फॉर विमेन्स एंड मैन, यानी कि दोनों इक्वल होने चाहिए थे, उसमें वो विमेन्स का डिस्कस नहीं वो कह रहा किया गया, इसमें विमेन का इसमें जो है हवाला नहीं ज्यादा दिया गया। इस हवाले से वो थोड़ा सा जो विमेन्स है इस हवाले में एक पिटीशन भी दायर करती है नेशनल असेंबली के अंदर कि जो इक्वल राइट्स की बात की जाती थी उससे औरतों को इस डिक्लेरेशन के अंदर महरूम रखा गया है, यानी कि महरूम से मुराद औरतों के हवाले से इतनी ज्यादा इसमें बात नहीं की गई। और आप देखते हैं डिक्लेरेशन का नाम भी राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन की बात करता है, तो हालांकि इसमें ये नहीं कि बिल्कुल निगलेक्ट किया गया है विमेन्स को, लेकिन इसमें कोई प्रोमिनेंट आप कह लें कि वाज़ह एक्सप्लिसिट जो है वो बात नहीं की गई थी विमेन के वाले से। तो इसमें बस आपने जस्ट इतना लिखना है कि इस जो डिक्लेरेशन के अंदर विमेन जो है वो अपने राइट्स के लिए जो है वो इक्वल राइट्स के लिए जो है वो पिटिशन नेशनल असेंबली में दायर करती है 1789 के अंदर, ताकि हमें जो है वो इक्वल राइट्स दिए जाएं। और उसमें उन्होंने कहा कि विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रिलीजन, कलर और सेक्स, आप किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, कोई भी आपका मजहब है, किसी भी आप जगह से ताल्लुक रखते हैं, आप काले हैं, गोरे, सफ़ेद, जो भी आपकी रंगत है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, जो राइट्स हैं तमाम जो सिटीजन है उनके लिए जो है इक्वली होने चाहिए। जी अब वो एक डिस्कस करती है ओलंपिया की जो ये विमेन है, पेज नंबर 36 बनता है तकरीबन, उसमें कहते हैं उसने एक पब्लिश किया था डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ विमेन एंड ऑफ द फीमेल सिटीजन। ये भी ये पॉइंट नोट कर लीजिए, ये भी इसमें आप लिखेंगे तो अच्छा हो जाएगा कि जो ये जो विमेन है पेज नंबर 36 के ऊपर ओलंपी, इन्होंने पब्लिश किया डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ विमेन एंड ऑफ द फीमेल सिटीजन। और जिस तरह आप देखते हैं कि राइट ऑफ द मैन ऑफ द सिटीजन था, इसी तरह ये विमेन के हवाले से इसने किया था। ये आप इसका एक हवाला दे सकते हैं, बाकी इसमें और कोई आप लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बात करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली इसमें बात की गई है कि औरतों को राइट्स दिए जाए इक्वली मैन, और दूसरी बात की विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। थर्ड बात जो इसमें की गई है वो ये बात की गई है कि औरतों के भी पूरा पूरा हक है, औरतें भी जो है वो हर मैदान में आगे जा सकती हैं, वो भी बढ़ चढ़ कर हर चीज़ में हिस्सा ले सकती है, इवन कि आप कहते हैं कि वो लाइक हाउस को भी लीड कर सकती है। उनका ये डेकोरम के अंदर औरतों को भी जो है वो मुकम्मल तरीके से जो राइट मिलने चाहिए, वो रोस्टम तक आ सकती है, रोस्टम से हम एग्जांपल दिए कि यानी कि डाइस तक उनकी पहुंच होनी चाहिए, स्पीकर डाइस तक जो है उनको आगे आना चाहिए। तो ये एक ओवरऑल जो था, आप अपने अल्फाज में भी इसको लिख सकते हैं, इसमें तीन पॉइंट्स थे, ठीक है, जो इसमें डिस्कस किए। आपका ये विमेन के हवाले से भी ये कंप्लीट हो जाता है। आगे ये स्लेवरी की बात करता है, इसी तरह स्लेवरी को भी हम लोग करेंगे, इसमें जो बड़ी डिटेल लिखी हुई कोई ज़रूरत नहीं है, तीन बातें मोटी मोटी जेहन में रखें, जैसे मैं उर्दू में बता रहा हूँ, अगर आप ये साथ साथ लिखते रहेंगे तो आपको याद रहेगा, वरना इधर से सुनेंगे और घंटे बाद भूल जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसी तरह ये स्लेवरी के हवाले से थोड़ा सा अपने 5-7-8 लाइनों में इसको एक्सप्लेन करके उसके बाद आपने ये वाइंड अप कर देना। ये अगर क्वेश्चन बहुत एक्सप्लेनेशन में मांगे तब ये सभी चीज़ें ऐड करेंगे, एंड पे मैं आपको बताऊँगा क्या क्वेश्चन है तो आपने क्या क्या ऐड करना है और क्या क्या नहीं लिखना, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसको थोड़ा सा वाइंड अप कर लें हम लोग। पेज नंबर है बच्चों मेरे पास 39-40 बन जाता है जी 40। जी
The declaration did not revoke the institution of slavery as lobbied by the Jacques Pierre or defended by the group of the colonies planter called the Club Messac because they met at the Hotel Messac. Despite the lack of explicit mention of the slavery in declaration, slave uprising. अच्छा इसमें क्या बातें कर रहा है जी, चले पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा फिर उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ. Uprising in Saint-Domingue in the Haitian Revolution were inspired by it and discussed in James' History of the Haitian Revolution, the Black Jacobins. Deplorable condition for the thousands of slaves in Saint-Domingue, the most profitable slave colony in the world, led to the अच्छा जी ठीक हो गया. Let us know that for successful. ठीक है, led to the uprising which would be known as the first successful slave revolt in the new world. Free person of color were part of the first wave of revolt, but the later former slave took control in 1974. The convention dominated the Jacobins, abolished slavery, including in the colonies Saint-Domingue. अच्छा जी, अब जी इसमें इसमें भी कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं. जस्ट आप इसमें लिखेंगे कि आपने जो है वो स्लेवरी के बाद, वो कहते हैं इस जो डिक्लेरेशन है, इस डिक्लेरेशन के अंदर भी जो है वो आप देखते हैं कि कहते हैं इसको ख़त्म नहीं किया गया. ये जो गुलामी है बेसिकली स्लेवरी से मुराद उसका, कहते हैं इसको रिवोक नहीं कर सके. इसको कहता इस डिक्लेरेशन के अंदर भी कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें आपको नज़र आए कि इस डिक्लेरेशन के अंदर स्पेशली जो गुलामी का जो एक तर्ज ज़िंदगी था, जैसे लॉन्डी गुलाम सिस्टम था, वो कहता जो था उस स्लेवरी में आज से आप 200 साल 300 साल 400 साल पहले देखते हैं वो बहुत ज़्यादा रवाज था. ठीक है ना, तो कहते हैं ये जो स्लेवरी का जो ये निज़ाम था इसको जो है आप जो है वो ख़त्म नहीं कर सके. ये जो डिक्लेरेशन था इस हवाले से जो है वो इसमें जो है वो कोई बहुत ज़्यादा मेजर आपको कोई आर्टिकल के क्लॉजेज नहीं देता जो कि स्लेवरी को डिफेंड करते हैं या प्रोटेक्ट करते हैं. ठीक है, थीके? और इसमें वो बात करते हैं जी, सेंट डोमिंग की ये बेटा वीडियो ऑन नहीं करें, उससे जो है वो थोड़ी सी डिस्टरबेंस होती है. ठीक है जी, इसी तरह देखिए जैसे आप विमेन की बात कर रहा था इसी तरह वो बात कर रहे हैं जी आपकी ये स्लेवरी के हवाले से. इसमें भी जस्ट आप बहुत ज़्यादा कोई डिटेल में नहीं जाएंगे और जो है एक सेकंड जी, एक सेकंड बचो, इसमें भी आप बहुत ज़्यादा जो है वो डिटेल में. बेटा मेरा मेरे नेट के सिग्नल ठीक है. अच्छा जी, इसमें सेंट डोमिंग की बात कर रहा है. बेसिकली सेंट डोमिंग जो है वो आप कह लें कि एक फ्रेंच कॉलोनी थी जिसकी वो डिस्कस करता है. उसमें वो बड़ी तादाद में जो थी ये सबसे मशहूर आप कह लें कि ये कॉलोनी थी. तो वो बेसिकली इसमें बात कर रहा है कि आपको जो है यहाँ पे इसको ख़त्म डिक्लेरेशन के अंदर डिस्कस होना चाहिए था, ये स्लेवरी को ख़त्म करना चाहिए था. इसके लिए आवाज़ किसने उठाई, ये जो थी जो इस इलाके की डिस्कस करता है ये सेंट डोमिंग की, वहाँ पे कहता है इन्होंने जो है वो डिक्लेरेशन भी जो है वो पेश की कि ये जो सिस्टम है इसको ख़त्म करना चाहिए, कम करना चाहिए. अब बस इसमें आप और कुछ लिखेंगे, इसमें सिर्फ ये आप 5-6 लाइन में इसको एक्सप्लेन करेंगे, दैट्स इट. और वो कोई इसको एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं है. अब आपका अच्छा आगे जो ये आपका ख़त्म होता है ये पेज नंबर है 44 के ऊपर, 44 के ऊपर ये ख़त्म होती है. 44 से जो नीचे है आपने उसको नहीं करना कुछ भी. 44 से जो नीचे है आप देखते जाए 44 से लेके 70 पेज तक बच्चों आपने नहीं करना कुछ भी. समझ आ रही है आपको, 44 से लेके 70 पेज तक जो है उसको कट कर दीजिए. ये एक्स्ट्रा है, आपकी काम का नहीं है, इसे काट दी. इसमें वो आर्टिकल्स की जो है इंफॉर्मेशन दी हुई है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिखा हुआ है क्योंकि आपका ये टॉपिक जो है ये एक तो ये पूरी पीडीएफ फाइल है, इसमें जो है वो एक लेंथी टॉपिक है. आपको इतना ज़्यादा इसको डिटेल करने की ज़रूरत नहीं जो मैंने डिटेल
पढ़ा दी है इज मोर देन इनफ। ठीक है, मैं एक दफ़ा दोबारा आपको रिकॉल कर देता हूँ स्टूडेंट्स, ये आपका टॉपिक जो यहाँ पे वाइंड अप होता है, लेकिन जो मैंने कटवाया है उसको ज़रा गौर से सुन लीजिएगा ताकि आपको बाद में जो है वो प्रॉब्लम ना। पेज 44 के बाद आगे जो रिमेनिंग पेजेस हैं आप इसको कंटिन्यू नहीं करना है, ठीक है, यहाँ तक कि हमारा टॉपिक जो है वो वाइंड अप हो जाता है। और पीछे से जो मैंने आपको बताया था कैसे इसको करना है सारा, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था वो क्या था, शुरू वाले पेजेस थे, उसके बाद आगे हम लोगों ने थोड़ा सा इसको स्टडी किया था पैसिव सिटीजन के हवाले से और एक्टिव सिटीजन के हवाले से, वो कर ले। उसके बाद इसमें जो था बाकी, उसके बाद हमने नीचे से इसको कटवा दिया हुआ था पैसिव सिटीजन के बाद। अच्छा, ये जो सब्सटेंस था 13 पेज से, ये भी करना था 13 पेज से। और जो कट किया था मैं आपको वो बता देता हूँ, ऐसा 13 पेज के बाद आपका जो ये जो पेज नंबर 16 था, 16 से कट किया हमने सबसे पहले, 1 से लेके 15 तक आप कर रहे हैं, फिर 15 के बाद 16 पेज नंबर से स्टूडेंट्स हम इसको कट कर रहे थे, 16 से लेकर हम लोगों ने जो है इसको 25 तक कट किया था। ठीक है, 25 कट करने के बाद आगे फिर 26 से हम लोगों ने एक्टिव एंड पैसिव सिटीजनशिप के हवाले से कल स्टडी किया था, वहाँ से फिर आप स्टार्ट करेंगे इसको करेंगे, इसमें जो मैंने बातें बताई थी वो लिखेंगे, उसके बाद ये सारा चलता है पेज नंबर 44 तक फिर आप लोग करेंगे। ठीक है, 44 के बाद आगे फिर जो है आप जो रिमेनिंग है उसको आप जो है वो कट कर देंगे। समझ आ गया जी स्टूडेंट्स? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे जल्दी अभी मैसेज कर सकता है, बार बार मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। ठीक है, 44 से आगे नीचे इसको ऑनवर्ड जितना भी है वो कट हो जाएगा। ये आपका टॉपिक जो है राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन के हवाले से, ये और मैग्ना कार्टा, ये अब आपका टॉपिक जो है ये दोनों कंप्लीट हो जाते हैं। और मैंने जो आपको कहा था कि मैग्ना कार्टा के हवाले से और ये जो द राइट्स ऑफ सिटीजन ऑफ मैन एंड इसके हवाले से, इसको थोड़ा थोड़ा मैं आपसे इसके बारे में पूछूंगा, तो इंडिविजुअली मैं आपसे किसी से भी कुछ पूछ सकता हूँ, तो आप मुझे जो है लिख के बेसिक अभी, हालांकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, 10-15 मिनट ही है, 10-15 मिनट में ज़्यादा डिस्कस नहीं हो सकता, लेकिन मुझे फिर अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं फिर भी आपसे इसके हवाले से डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पता चले जो आप पढ़ रहे हैं एटलीस्ट आप पढ़ भी रहे कि नहीं पढ़ रहे, क्योंकि मुझे जो है वो थोड़ा सा कभी कभी भाव होता है कि आप जस्ट बैठे सुन रहे होते हैं लेकिन आप जो है वो उतने कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप शायद वो जो जैसे एक फिजिकली जो अपेयरेंस होती है और वो आपकी इन्वॉल्वमेंट होती है वो मुझे कभी कभी नहीं लगती है आपकी वीडियो के ऊपर या रिकॉर्डिंग के ऊपर। तो बहरहाल इसको मैं जज करने के लिए थोड़ा सा आपसे इसलिए पूछना चाह रहा था कि आज जो है थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो गया। अच्छा, मुझे बताएं आप ये जो मैग्ना कार्टा था उसका भी आपने जो था मैंने आपको बता दिया था वो पेज आपने करना है, ठीक है, वो आप प्रिंट करेंगे तो 3 पेज होंगे, वैसे आपको यहाँ पे जो सॉफ्ट कॉपी वो 1.5 पेज ही नज़र आ रहा है आपको, प्रिंट में 3 आ जाएंगे। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इसमें ये है क्या, चार्टर कहता क्या, इसमें तमाम वो डिटेल लिखी हुई है। उसके बाद आगे ये आपका टॉपिक खत्म हो, कोशिश करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जो नेक्स्ट आपका लेक्चर है गालबन ट्यूजडे को है, उसमें हम हाइब्रिड गवर्नमेंट के हवाले से स्टडी करें, ताकि आपका वो हम लोगों ने लास्ट में जो था डेमोक्रेसी के हवाले से डिस्कस किया था डेमोक्रेसी, उसके बाद वो जी और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, उसके बाद जो थर्ड आपका पॉइंट था वो आपका था हाइब्रिड गवर्नमेंट के हवाले से। तो हाइब्रिड जो गवर्नमेंट वाला टॉपिक था वो मेरे ख्याल में आपका जो था वो स्किप था शायद, यानी कि वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, तो मेरी उस कोशिश है कि उसको भी जो हाइब्रिड वाला टॉपिक जो उसको कंप्लीट करके, ताकि आपका वो भी कंप्लीट हो जाएगा। इधर से जो आपका यूनाइटेड नेशन आपने पढ़ा था, उसके बाद फिर ये नीचे उसी आप कोर्स आउटलाइन के अंदर देखेंगे तो यूनाइटेड नेशन के साथ ही ये ऊपर है आपका मैग्ना कार्टा, और नीचे उसके बाद ये राइट्स ऑफ मैन के हवाले से बात की गई, तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है। और जो ऊपर वाली आउटलाइन के अंदर जो ऊपर टॉपिक्स है उसमें आपका ये अभी हाइब्रिड रहता है, तो चले हाइब्रिड गवर्नमेंट वाला भी चाहे वो पूरा हो जाएगा।
जी, और कोई बात इसमें से पूछनी इस हवाले से तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इस टॉपिक के हवाले से। मेरी आवाज बच्चों आपको आ रही है? आवाज कट तो नहीं रही? मुझे मैसेज करके बताएं जो मैंने आपको बातें बताई आपको समझ आई है। जी बिल्कुल बेटा, नोट्स की जो वोकैबलरी है थोड़ी सी डिफिकल्ट है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैंने आपको उसका हल बताया है कि आपने ये सारे जो डिफिकल्ट नेम है आपने बिल्कुल इसको याद नहीं करना सारों को, ठीक है? इसमें से जो डोमिनेंट एक दो मैंने नाम लिए बस उनको याद करना है, और आपने सारे नाम वगैरह याद नहीं करी। कॉन्सेप्ट को समझे, कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, चीज़ क्या है उसको समझे। कॉन्सेप्ट में अगर इशू है तो यू कैन आस्क मी अगेन एंड अगेन, आई विल टेल यू। लेकिन अगर आप ये वोकैब की बात करें, थोड़ी सी वोकैब बिल्कुल आप कह सकते हैं, कुछ अल्फाज थोड़े से मुश्किल हैं, आप उसको मुझसे भी पूछ सकते हैं। अगर आप उसको मुझसे नहीं पूछ सकते तो, या नहीं पूछना चाहते तो आप गूगल भी है, आप उधर से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट में मसला आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है चीज़ का, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जो नेम इसमें लिखे हुए हैं स्कॉलर्स के, फिलोसफर्स के, वो थोड़े से डिफिकल्ट हैं, कुछ तो कंपल्सरी है जो आपने लिखने ही लिखने हैं। बाकी जो है वो आप कोशिश करें कि आपस में कंसल्ट करें, मुझसे पूछें जैसे कर सकते कर लें। अब बेटा अभी असल में मसला पता क्या रहा है, कोई अभी फर्स्ट टाइम में आपका मटेरियल है, नोट्स इसके अवेलेबल नहीं है, किसी ने इसके नोट्स नहीं बनाए, कोई इसकी जो बुक नहीं अभी मार्केट में आई, जिसकी वजह से इस ये प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन एक चीज़ आपके पास एक मिट्टी को नो एक आपके पास आउटलाइन होती है, पुरानी आउटलाइन होती है, उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने नोट्स भी लिखे होते हैं, किताबें भी होती हैं, तो आपके पास ऑप्शन आ जाता है बंदे के पास कि चले यार ये आसान है या ये मुश्किल है, मैं यहाँ से कर लेता हूँ वहाँ से कर लेता हूँ, तो बंदे के लिए अप्रोच करना ईजी हो जाता है, उसमें से सेलेक्ट करना ईजी हो जाता है। हमारे पास अभी ऑप्शन नहीं है इस टाइम, हमारे पास ये मुझे पता है मैं कैसे आपके नोट्स कहाँ कहाँ से इकट्ठे कर रहा हूँ, क्योंकि ये टॉपिक है अभी नए, किसी यानी कि एक इकट्ठे नहीं हुए, कोई कहीं से मिल रहा है, कोई कहीं से मिल रहा है आपकी वोकैब में, आपकी जो आउटलाइन है, तो यहाँ पे कोई ना किताब है मार्केट में, कोई किताब मार्केट में बंदा वहाँ से देख ले, कंपेरिजन कर लेता है कौन सा ईजी, तो बंदा वहाँ से पढ़ लेता है। इसलिए हमारे पास ऑप्शन नहीं है कोई एक्स्ट्रा। अगर आपके पास इन टॉपिक्स के हवाले से कोई एक्स्ट्रा मटीरियल मिलता है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा, अगर वो ईजी हुआ तो उसको भी हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे, वो भी मैं आपको गाइड कर दूंगा, पढ़ा दूंगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन फिलहाल हमारे पास ऑप्शन नहीं है, इस जैसे जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है हम वो करने में यही कोशिश करो, हमारा टाइम ना जाया हो, कोशिश ये कि कहीं से किताब मिल जाए, कहीं से और अच्छे नोट्स हो जाए, तब तक जो नोट्स मेरे पास अवेलेबल है मैं आपको उनसे पढ़ाता रहूँगा, वो आपको मुश्किल लगे या थोड़े डिफिकल्ट लगे, मेरी हमेशा कोशिश होती है कि आपके लेवल के आपको नोट्स दिए जाएँ। मैं दूसरी क्लासेस को भी पढ़ा रहा तो मेरे पास नोट्स जो होते हैं वो मुश्किल लेवल के भी होते हैं, आसान, और मेरी कोशिश होती है पढ़ाने में भी मैं बिल्कुल आसान लैंग्वेज यूज़ करूँ जो आपके लेवल की लैंग्वेज है, वो MPhil और PhD वाली लैंग्वेजेस मैं इस्तेमाल ना करूँ, ना वो वोकैब इस्तेमाल करूँ, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। लेकिन इस टाइम बेटा ऑप्शन हमारे पास नहीं है इतने ज़्यादा, तो मैं इसलिए आपको जो है डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, जो अवेलेबल है हमें वो स्टडी करना पड़ेगा, और बुक इंशाल्लाह मार्केट में आ जाती है, कहीं से नोट्स अच्छे आ जाते हैं और एक्स्ट्रा टॉपिक्स के, तो वो भी आपसे मैं शेयर कर लूँगा, ठीक है? ये बड़ा मैंने डिटेल में अब आपको आंसर दे दिया, तो अभी बार बार इस पर जो है वो फिर बातें नहीं करें। फिजान आपने जो है इसका ये स्क्रीनशॉट लेके, इसका स्क्रीनशॉट लेके आपने सर को सेंड करना है, उसामा साहब को, ठीक है? ओके गुड, बाकी मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो है मंडे वाले दिन जो है वो आपको हाइब्रिड गवर्नमेंट के जो है वो नोट्स भी सेंड कर दूं, बाकी आपकी जो नेक्स्ट क्लास है ट्यूसडे वाले दिन हमारे साथ क्लास है, तो ट्यूसडे वाले दिन जो है वो आपका ये मैं मैग्ना कार्टा के हवाले से, और ये जो विमेन राइट्स और इसका जो ये राइट्स के हवाले से सिटीजन की बात कर रहा है डिक्लेरेशन की, इसमें से मैं आपसे जो है कुछ पूछ सकता हूँ, क्या डिक्लेरेशन है इसकी, इस डिक्लेरेशन में बात क्या की गई है, किस हवाले से बात की गई है, मैग्ना कार्टा क्या कहता है क्या है, मैं आपसे बेसिक सी जो चीज़ें हैं वो आपसे मैं डिस्कस कर सकता हूँ, तो उसको थोड़ा सा पढ़ के आइएगा
और अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे दोबारा उसको पूछ सकते हैं। अभी भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछें। अब टाइम कम है इसलिए मैं आपको वो असाइनमेंट नहीं दे रहा लिखने की, क्योंकि 10-12-15 मिनट में आप क्या लिख के मुझे दिखाएंगे और मैं क्या आपको गाइड करूँगा, तो इसलिए हम लोग इसको नेक्स्ट पे रख लेते हैं आज। अब आपको कोई और मसला इस टॉपिक के हवाले से या कुछ और पूछना है तो आप मुझसे जल्दी पूछ सकते हैं। जी कोई बात नहीं, कोई सब क्लियर है बच्चों, कुछ नहीं पूछना किसी ने। हाँ ये तो बड़ी अच्छी बात है, अगर आपको जो मैंने बताया समझ आ गया है। और आपके जो दूसरे फेलोज हैं उनके साथ भी शेयर कर लिया करें, कोई बात नहीं। अगर वो उनकी थोड़ी सी नेगलिजेंसी है या वो थोड़े से लेजी हैं, अगर वो आपसे कुछ बात पूछते हैं तो उनको गाइड कर दिया करें, या एक दूसरे के साथ चीज़ें शेयर कर लिया करें। किसी के पास आउटलाइन नहीं है, कोई नोट्स नहीं है, कोई किताब नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं है, तो उसको आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो शेयरिंग कर लिया करें। बॉन्डिंग अपनी आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो स्टडी के हवाले से बेहतर करें। जी वेरी गुड मोहम्मद हैदर, शाबाश। इसी हाँ इसी ये आप ठीक लिखा है, इसको थोड़ा सा और इसमें एक्सप्लेन कर देना मैग्ना कार्टा के वाले से। ये ट्यूसडे वाले दिन मैं आपसे डिस्कस करूँगा और आपसे लिखवाऊँगा भी, पूछूँगा भी, और फिर मैं आपको बताऊँगा आप लोगों ने कितना कितना सही लिखा, किसकी क्या मिस्टेक है, ठीक है? वो आपको पूरा प्रॉपर में फिर गाइड करूँगा। नहीं जी, मैंने इसलिए मैंने कैंसिल नहीं किया वो, आपको जरा जो थोड़ा सा रिमेनिंग काम था मेरे का, पहले वो फिनिश कर लिया जाए, फिर एक दफ़ा रिलैक्स होकर आपका टॉपिक वाइंड अप हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, देन फिर हम लोग जो है वो आपसे मैं वो जो है वो टेस्ट कह लें या थोड़ा सा डिस्कस कह लें वो करूँगा। तो इसलिए मैंने एक बार ख़त्म नहीं किया, कैंसिल नहीं किया, ये है इंशाल्लाह ट्यूसडे वाले दिन। आज थोड़ा सा जो टॉपिक के हवाले से जो चीज़ें रह गई थी मैंने कोशिश की उसको वाइंड अप कर दूँ, वो गाइड कर दूँ कौन सा कट करना है, क्या पढ़ाना है, क्या नहीं करना है, वो थोड़ा सा उस हवाले से आपको बताना था। चलो ट्यूसडे वाले दिन मैं आपसे डिस्कस करूंगा दोबारा।
अच्छा अटेंडेंस की जरा एक मैं भी अपने पास जरा अपडेट कर लूं, आप सर को तो भेज ही रहे, जरा मैं भी लिख लूं कौन कौन है जी। बेटा यस बोलते हैं असद, आप प्रेजेंट हैं? असद अली बलोच ये आज नए, आप पहली दिन आए मेरे ख्याल में। रोल नंबर क्या है बेटा तुम्हारा, लिखो इधर मुझे मैसेज करो। हाँ जी फैजान हैदर है, मुझे यस लिखें। ओके गुड ठीक है। महमूद अहमद मौज महमूद, आप भी शायद काफी देर बाद बेटा आए हैं। फैजान आपका 7 है रोल नंबर, फैजान अरशद 17 है ना आपका। काशिफ 30, हुसनैन 8। ओके ठीक है, चलिए ठीक है स्टूडेंट्स जी ठीक है, मैं आपकी अपडेट कर दूंगा अटेंडेंस को भी, और कोशिश करें नेक्स्ट क्लास में आप ये 6-7 स्टूडेंट्स से अपने दूसरे फेलोज को भी कहें कि आप जो है क्लास लिया करें, और आप लोग माशाल्लाह स्ट्रेंथ आपकी ज़्यादा है, और आपकी क्लास जो होती है 8-7-10 आप लोग आए होते हैं, आपके जो दूसरे फेलोज हैं उनको भी जो है वो आप कहें कि आएँ और साथ बैठे। ये उमैर कौन है 6 रोल नंबर, बेटा मुझे इधर उमैर शो नहीं हो रहा इसलिए मैं उमैर को जो है उसकी अटेंडेंस नहीं लगाऊंगा। जी हैदर आपकी लगा दी, असद आपके साथ है ये उमैर, इकट्ठे बैठ के अब लेक्चर ले रहे हैं तो मुझे पता नहीं, अलग अलग लेक्चर अपना ऑनलाइन किया करें अपने आप को। जी नेक्स्ट से अलग अलग हो जाए, अभी मैं लगा देता हूँ। ओके ओके चले ठीक है बेटा, इंशाल्लाह ट्यूसडे को मुलाकात होती है, और अपने दूसरे फेलोज को भी बता दीजिए कि क्लास सर की ले, और ये जो थोड़ा सा काम मैंने बताया उसको वो भी बता दीजिएगा कि मैग्ना कार्टा डिक्लेरेशन के हवाले से सर पूछ भी सकते हैं ट्यूसडे को, और ये तमाम चीज़ें जो है वो आप करके आइएगा तैयार, और बाकी फेलोज को भी मैसेज कन्वे कर दें। ओके स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़।